जब सूफी का जिक्र जुबां पर आता है तो जहन में अमन चैन शांति का ख्याल आता है। ऐसे में सूफी सांसद नाम से हुई मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि मदारिया सूफी फाउंडेशन की तरफ से एक कदम है, जहां पर हेट स्पीच ह्यूमन राइट्स वायलेशन को टैकल करने के चलते बात की गई और साथ ही दिया पीस का संदेश। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सर मेरा आपसे सवाल है, ऑफ कोर्स सूफी संसद, जैसा आपने भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सूफी संसद आप अपने आप में ही एक पीस का पैगाम है, एक पैगंबर जो कि पीस का संचार करता। सर ऐसे में सारी एक्टिविटीज़ को देखे, ऑब्वियसली जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में ये सूफी संसद जो है, अभी हालिया दिनों मुल्क में आपने देखा होगा धर्म संसद के नाम पर मुल्क में एक ख़ास कम्युनिटी के ताल्लुक से जिस तरीके से बदहमनी और लोगों के दरमियान कचफहमी फैलाई गई थी, हम लोग उसकी कंडम करने के लिए, रद्द करने के लिए एक सूफी संसद, जो सूफियों का पैगाम रहा है दिलों को जोड़ना, एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ना, पड़ोसी के क्या हक़ होता है पड़ोसियों के ताल्लुक से बताना, इन तमाम चीज़ों पर मुश्तमल है ये प्रोग्राम। और सिर्फ ये प्रोग्राम हम मुंबई में नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरे शहरों में भी और मुल्क के कोने कोने में गांव-गांव में भी हम इसके इनेकाद करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और ऐसा सूफी संसद का असल मकसद है कि हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाएं, मुल्क में अमन अमान कायम करें और मुल्क में जो मज़हब के नाम पर बदअमनी हो रही है, हम मज़हब के नाम पर नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर एक दूसरे से जुड़े रहें। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, वहाँ एंटनी ब्लिंकन ने भी काफ़ी जो है ह्यूमन राइट्स को लेकर के काफ़ी बार जो है पॉइंट आउट किया हिंदुस्तान की तरफ, तो ऐसे में क्या लगती है, मैं मुद्दों पर आ रहा हूँ सर, जिनसे आपको लगता है कि आज हमें वो ज़रूरत है कि सूफी संसद करने की? बेशक मुल्क में जो हालात हैं और उन हालात की बुनियाद पे मुल्क का जो वक़ार मजरूह हुआ है, ये इससे किसी एक ख़ास पार्टी की तरफ मंसूब न की जाए कि उनकी वजह से हुआ है, इसके हम और आप भी जिम्मेदार उतनी ही हैं जितने कि एक पार्टी ज़िम्मेदार है। एक शहरी और एक मुल्क में रहने वाले और मुल्क से मोहब्बत करने वालों की एक ख़ास ज़िम्मेदारी होती है कि मुल्क में ऐसे कोई काम ना हो या इस किस्म की बातें राह ना पा जाएँ जिसकी वजह से दूसरे ममालिक में हमें शर्मिंदा होना पड़े। चूँकि वहाँ जो हमारे लोग रह रहे हैं, हम चाहेंगे कि सूफी संसद की बुनियाद पर इसके ज़रिए एक ऐसे पैगाम जाएँ कि वो वहाँ सर उठा कर के कह सकते हैं कि हम इंडियन हैं, जैसा कि हम पहले कभी कहते आ रहे हैं और आज भी कहते हैं। यकीनन इंडिया एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और यहाँ जो लोग रहने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा मिजाज रखते हैं, बहुत वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा करते हैं, मेहमान नवाजी में इंडिया का कोई जवाब नहीं है। सर आखिरी सवाल, ऑफ़ कोर्स जब सूफी संसद या सूफी नाम जुड़ जाता है तो पॉलिटिक्स से सब कुछ परे हो जाता है, ये एक दुनिया का ऐसी चीज़ है जो कि मैंने दोबारा से बोलूँगा जो पीस की तरफ लेकर जाती है, जिसका पैगाम पीस है। सर ऐसे में हाल ही में जो मौजूदा सरकार है उसने एक अपनी जो है वो पॉलिटिकल पर्सन के लिए के ऊपर कार्रवाई भी की जिसका नाम नूपुर शर्मा है, तो जब ऐसी बात निकल करके आई जहाँ पे बेअदबी हुई प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे, तो ऐसे में आपका क्या कहना है, क्या उस कार्रवाई से आप सहमत हैं? नहीं, ऐसा है कि जो कार्रवाई हुई है वो मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई ख़ुद इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। अवलन तो किसी भी मजहबी गुरु धर्म या मजहबी शख्सियत के ताल्लुक से दूसरे मजहब के मानने वालों को ये हक़ नहीं पहुँचता है कि आप किसी भी मजहबी पैरोकार की गुस्ताखियाँ करें, उनकी शान में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें जो उनके शायन शान नहीं है, बल्कि मज़हब हमें सलीका सिखाता है और मज़हब हमें अदब सिखाता है और मज़हब हमें इंसानियत सिखाते हैं। तो जब मज़हब हमें इंसानियत सिखाता है तो हमें चाहिए कि नूपुर शर्मा ने जो कुछ भी कहा है उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मुल्क जानता है, और उन पर जो कार्रवाई हुई वो पार्टी की तरफ से कार्रवाई हुई है, कोर्ट की तरफ से क्या कार्रवाई होती है और अदलिया का क्या फ़ैसला आता है और यहाँ की पुलिस क्या कार्रवाई करती है, जो मुकदमात उन पर हुए हैं ये असल देखना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समीर मदारवी।
जिनसे हम बात करने वाले हैं हेट स्पीच को लेकर के। जैसे आप जानते हैं कि मामला जो है बहुत सुर्खियों में चल रहा है और अक्रॉस द मीडिया बहुत ज़्यादा ही बातें की जा रही हैं हेट स्पीचेस को लेकर के। तो ऐसे में उनसे बात करेंगे और ये सूफी संसद के बारे में जानना चाहेंगे कि ये सूफी संसद प्रेस कॉन्फ्रेंस किस वजह से की गई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा फर्स्ट पहला जो आपसे सवाल है, सूफी संसद, जब सूफी एक जुबान पर नाम आता है तो पीस ही पीस की बात आती है, जिसे हमने अपने पास से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो देखा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सूफी बाय वर्ड इटसेल्फ इसकी सारी डेफिनेशन है कि टॉक्स अबाउट कम्युनल हारमनी और सर्वधर्म सम्मान की बात होती है, और इसमें कहीं कहीं भी हेट या किसी से दुश्मनी या किसी से भेदभाव की तो सोच भी नहीं सकते। सूफी संसद एंड उसका जो टाइटल है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, तो जाहिर सी बात है कि ये हमारी अकेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सारी गवर्नमेंट्स, सोसाइटीज़, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस और जो जो डोमेन में, जो जो प्रोफाइल में हम काम कर रहे हैं, हम सबको मिलके ये हेट स्पीच, हेट का जो एनवायरनमेंट बना है, इसको हमको लड़ना है। दिस इज़ नॉट, ये संसद एक दिन का संसद नहीं है, ये आगे जाके कई शहरों में एज ए मूवमेंट ये चलेगा, और मुझे लगता है कि हम सब इसको साथ में आके जो माहौल ख़राब हो रहा है, और ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। सर, तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैसेज अगर संक्षिप्त में इन शॉर्ट बात करूं तो क्या है? जैसे आपने कहा संक्षिप्त में, इतना है कि हमें सबको साथ मिलके यूनाइटेड होके ये हेट स्पीच का जो माहौल हमारे देश में भी है और वर्ल्ड वाइड सभी जगह, इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो हमको लड़ना है, और ये रेजोल्यूशंस भी इसमें काफ़ी पास होंगे जो इस पर हम एक्ट करेंगे, उसको मेजर करेंगे, और जैसे जैसे सिचुएशन बनेगी वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट।